और इसी बीच अगली खबर आ रही है नागौर से, जहां विश्व जल दिवस पर नागौर की मेड़ता सिटी में सरोवर सफाई अभियान और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मीरा तैराकी संघ निरंकारी सेवा मंडल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जागोलाई सरोवर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विद्या प्रकाश शुक्ला रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रामधाम देवल के उत्तराधिकारी रामनिवास शास्त्री ने की। इस मौके पर विशेष अतिथि सीमा सिखवाल नेपाल के साथ अन्य अतिथियों में दादू महाराज की छत्रियों के महंत हरिनारायण महाराज, राम स्नेही संत सरवन राम महाराज प्रभुपरी मौजूद रहे। जागुलाई सरोवर सफाई अभियान के दौरान मीरा तैराकी संघ के अध्यक्ष राजकुमार दया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा सरोवर की सफाई व्यवस्था की गई। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी द्वारा सरोवर के चारों ओर कचरा साफ किया गया। नागौर से तेजाराम लाडनवा की रिपोर्ट। हमारा जो ये भारत देश है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ हिमालय की विशाल चोटियां हैं। आज के समय में देखें तो हमें जल से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, जल प्रदूषण की और भूमिगत जल की। जल का संरक्षण करना, जल को प्रदूषण मुक्त करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। अगर हम जल को संरक्षित रख सकेंगे तभी हम हमारे भावी जीवन को, हमारी भावी पीढ़ी को भी संरक्षित रख सकेंगे। जैसा कि अभी आज जिला मीरा तैराकी संघ की ओर से जल संरक्षण के ही, जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ही सफाई का कार्य यहाँ निष्पादित किया जा रहा है, मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के रूप में, मूल कर्तव्यों के रूप में जल संरक्षण को एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न अधिनियम भी बने हुए हैं भारतीय दंड संहिता में, यहाँ तक कि दंड प्रक्रिया संहिता में, और विशेष रूप से जल प्रदूषण से के निवारण और संरक्षण के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है। उन सभी के तहत जल को संरक्षित रखने का, जल संरक्षण के प्रयास किए जाने के पूरे प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर हम उनका उपयोग भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी जल संरक्षण में अपना बूंद बूंद भी जो योगदान दे सकते हैं। आज हमने यहाँ एक पंपलेट भी वितरित किए हैं जिसमें कि हमने कोशिश करी है कि जल संरक्षण के लिए घरेलू उपाय जो हम कर सकते हैं, जैसे RO का पानी सेव करना, या फिर गाड़ी धुलाई करते हैं, बगीचों में पानी डालते हैं, काफ़ी पानी हमारा इन सब कार्यों में बर्बाद होता है, तो उनको हम किस तरीके से कम करके जल को संरक्षित कर सकते हैं, इसका भी हमने उपाय देने की अपनी तरफ से कोशिश की है।